हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस अभी अभी हम थेरेपी करवा के आए हैं, तो आज तो मैं चाय पी के भी नहीं गई थी। इतनी देर हो रही थी कि चाय तक भी नहीं पी। बस अब मैं चाय पीने लगी हूँ और चाय पी के तो अपना काम में लगते हैं, क्योंकि जो राधा की बहन है वो खाना वगैरह बनाती थी, तो अब खाने का काम उसका ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो बीमार है। वो टाइम से मतलब एक दिन आती है, एक दिन जब एक दिन आती है दूसरे दिन इतनी थक जाती है कि वो उसके पेट में दर्द होता है, उसकी पीठ में दर्द होता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका टाइफाइड बिगड़ चुका है। तो वही उसकी बहन ने बोला कि तू अभी महीना डेढ़ महीना अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना बनाने का काम छोड़ दे, तो वो नहीं आ रही, खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। तो मैं वही चीना को कह रही थी, मैं कहा चीना तेरे ससुराल में तो दिवाली वगैरह दे आए हैं, करवा चौथ दे आए हैं, अब तो गोलू के घर चली जा, तो गोलू के घर भी जाके सामान वगैरह जो लेना है आज शाम को चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं, और तू गोलू के घर चली जा, मैं नहीं जाती तो तू ही चली। बस अभी अभी राधा झाड़ू पोछा बर्तन सफाई कर रही है और मैंने बनाए हैं आलू बैंगन। तो चीना कह रही है मम्मी आप पालक पनीर बनाओ। मैंने कहा नहीं, पालक पनीर मैं तुझे एक दो दिन में बना दूंगी, तो अभी मैं आलू बैंगन बना देती हूँ, क्योंकि आलू काट चुकी हूँ, बैंगन काट चुकी हूँ, मसाला बन रहा है तो मैं तेरे को बना दूंगी। तो बस जो चीज़ बनाओ, फिर खा तो लिए हैं इसने आलू बैंगन। कन्नू भी मतलब ये बच्चे ज़रा बैंगन, और गाइज मैं बैंगन जो होते हैं ऊपर से बिल्कुल छिलका उतार देती हूँ जामनी जामनी सा, ताकि इनको पता ही ना चले बैंगन है, फिर भी इनको पता चल जाता है। चीना चीना को फिर भी पता चल जाता है कि आलू बैंगन है, पता चल जाता है ना। है थोड़े से खा के छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि बस हो गया, बस हो गया, बस इनको पता चलना चाहिए कि बैंगन है। मैं गाइस बिल्कुल बैंगन का छिलका उतार देती हूँ और बिल्कुल आलू को अच्छा सा फेस देती हूँ अच्छे से कढ़ाई के साथ, कि ताकि किसके साथ, कड़छी के साथ, कड़छी के साथ अच्छे से बिल्कुल मैश कर देती हूँ ताकि पता ना चले, मगर फिर भी बच्चों को पता चल जाता है। मगर कन्नू तो फिर भी खा ही लेता है, कहता मम्मी मैं तो दही के साथ खा लूँगा। बस शाम के 7 बज चुके हैं, तो मैं हेमा को कह रही थी कि हेमा तू मेरे साथ चल, तो हम लेके आते हैं कोई गोलू के लिए क्या सामान देने। मैंने गोलू से पूछ लिया था कि गोलू तुझे ये दे दूँ, तो गोलू कह रही हाँ। मैं विनोद की शायद पिछली बार तो मैंने इसको कुक कर दिया था, तो इस बार मैं सोच रही हूँ इसको कढ़ाई दे देती हूँ, क्योंकि मैं इसके घर जाती हूँ ना तो कढ़ाई छोटी सी है, तो है बहुत कुछ है उनके पास, मगर फिर भी माँ बाप तो देते ही है। मैं सोच रही कढ़ाई दे देती हूँ अच्छी, तो वो 3 लेयर की कढ़ाई है, तो अच्छी है, स्टील की अच्छी लगती है। तो कहती मम्मा स्वी पायल से पूछा, तो कहती पायल वही ले आओ। तो मैं हेमा के साथ जा रही हूँ, हेमा कहती एक कढ़ाई मैं ले लेती हूँ, एक आप ले लो, तो हेमा भी ले लेगी। निक्की कहती मैं भी चलती हूँ, तो हेमा और मैं तो रिक्शे पे चले जाएंगे, निक्की के पास तो अपना स्कूटर है भाई, वो तो स्कूटर पे आएगी। कहती आप मुझे बता दो जब निकलोगे, अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे, हेमा दुकान पे बैठी है मेरी वेट कर रही है। तो गाइस मिलते हैं तिलक। बस मैं और हेमा यहाँ पर आ गए हैं इस दुकान पे जहाँ से हम सामान लेते हैं। निक्की का फ़ोन आया है कि मेरे को जगह नहीं मिल रही, तो मैं शॉप के बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा मैं शॉप के बाहर खड़ी हूँ तो तू आ जा, बस मैं निक्की की वेट कर रही हूँ। निक्की स्कूटर पे ही है, आ गई है। हाँ 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 आ गई निक्की बोल को गाइस आ गई ना, बस आ जा। ये दुकान नहीं देखी, अच्छी है दुकान, आ जा, बहुत सामान है, आ जा। मुझे बहुत ही प्यारी मैंने ज्वेलरी मंगवाई है प्रीशियस ज्वेल बॉक्स पर साक्षी की तरफ से। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मंगवाया, मेरे फेवरेट मैंने जो मंगवाया है डायमंड्स, मतलब ये मुझे इतने पसंद आए ना, ये पहने हुए इतने प्यारे लग रहे थे, और ऊपर से बहुत फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अभी दिवाली आ रही है, करवा चौथ के लिए मैंने मंगवाया, आगे भी अगर हम इसको क्रिसमस या न्यू ईयर पे वेयर करें बहुत अच्छे हैं। और गाइस देखो ये एंटीक, जो सब पुराने जो आजकल चल चुके हैं वापस, सारी पुरानी चीजें वापसी आ रही हैं गाइस, इतने सुंदर लगते हैं। और गाइस जैसे आपको पता है कि मेरे घर में है शादी जो की है मेरी, तो मुझे ये सब की बहुत जरूरत है। आई होप आपके घर में भी बहुत शादी होंगी, तो आप जाके जरूर मंगवाइए। देखो ये क्यूट क्यूट से हम वेस्टर्न के साथ पहन सकते हैं, साथ में ये मैंने बैंगल्स भी मंगवाए, देखो इतने प्यारे किसी भी हमारे आउटफिट के साथ जा सकते हैं। और ये देखो गाइस ये कड़े, ये एक एक जाता है, हाँ साथ में घड़ी है ना। और यार गाइस रिंग देखो, मतलब तो बहुत ही प्यारी रिंग लगी, साथ ही मम्मा ने जो करवा चौथ पे कल ये सेट पहना था, ये कल मैंने पहना था गाइस अपने सूट के साथ, ग्रीन वाला सूट था, देखो आप इंस्टाग्राम पे रील उठाओ तो मैंने ये पहना है, बहुत सुंदर लग रहा था। सो गाइस जो आ रही मेरी प्री वेडिंग, उन प्री वेडिंग के लिए मैंने मंगवाए ये वाले इयररिंग्स, मतलब मुझे पता है कि वहां पर मेरे हर एक गाउन के साथ ऐसे इयररिंग्स जाएंगे। तो आपके घर भी शादी आ रही है, मैंने आईडी नीचे मेंशन कर दिया, आप जरूर जाके उनको फॉलो करें और प्यारे प्यारे से ऐसे सेट्स और इयररिंग्स मंगवाएं। गाइस ये देखो, ये बहुत भारी कढ़ाई है भाई, विनोद की कढ़ाई है, तो ये मैं लेके आई हूँ आज, हेमा के साथ गई थी, हेमा को साइज नहीं मिला, हेमा को भी यही साइज चाहिए था, तो वो कहते हैं कि कल परसों ले जाना,
बहुत अच्छी बनाई है। ये देखो यही वाली कढ़ाई सेम मैंने जब सोनिया की शादी की सालगिरह थी तो मैंने उसको दी थी। लीड के साथ है ढक्कन, बहुत हैवी है और 3-ply है, मतलब इसकी 3 coating है, एक नीचे, एक बीच में, एक ऐसे। आजकल स्टील की अच्छी लगती है, सिल्वर वाली का फैशन खत्म हो चुका है। एक गाइस ये लेके आई हूँ मैं गोलू के लिए। पिछली बार से मैंने कुकर दिया था विनोद का, इस बार मैंने कहा चलो मैं कढ़ाई दे देती हूँ, पसंद आई मुझे और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा। ये डब्बा क्या जी? ये रोटी का। अच्छा रोटी नहीं रखते इसमें? अब इनकी तो देखो शांति आती है जब जाती है, रोटी बना के चली जाती है ना, तो इनकी टिफिन में होती है, तो मैंने कहा चलो एक ऐसे ही रोटी वाला ये ले लेते, अच्छा लगा मुझे। सुंदर है ना न्यासा का कलर, कितना प्यारा है। अच्छा हाँ न्यासा का, तो मैं एक ये ले आई। तो बाकी ड्राई फ्रूट ले लेंगे और जो चीकू वगैरह के लिए कुछ ले लेंगे, छोटे बच्चों के लिए देख लेंगे क्या क्या है। अभी तो चीना को देर है, कल होई है, पहले होई की पूजा कर ले। बस वही चीजें अब जो मुझे लगा किचन का, मैंने कढ़ाई ले ली, मैंने ये ले लिया, अब जो बच्चों के लिए समझ आएगा ड्राई फ्रूट ले लूंगी। कभी आयान तूबा, अब थोड़े दिन पहले मैंने तूबा को देखा सूट पहन के, इतना सुंदर डांस कर रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी तूबा। और जैद को भी देखती रहती हूँ, जैद तो कभी वीडियो में, कल वो गोलू दिखा रही थी वीडियो में तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। चलो गाइज आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर। बस मैं अभी निक्की के पास आई हूँ। मैं कह रही हूँ कि निक्की तो टाइम से अपना आ गई थी, हम जाके तिलक नगर में फंस गए। हमें देख मैं और हेमा, तेरे को सही है, मैं हेमा को यही कह रही थी, मैं कह निक्की को स्कूटर चलाना आता है, निक्की तो अपना आजाद हो गई, निक्की तो अपना आजाद हो गई, मगर अब हम देख फंस गए हैं। धीरे धीरे आ रहे, रिक्शा नहीं मिल रहा, अब रिक्शा करा, उसके बाद फिर उतरे, उतर गया, फिर हेमा और मैं पैदल आई, हेमा कमल की दुकान पे चली गई, मैं घर आई, तो घर में आए तो भैया आ रखे थे, 9:15 बज चुके थे। पर आप इतने लेट नहीं आए हो जल्दी? नहीं, 9:00 9 बज गए थे। और मैं कितने बजे आई हूँ? मैं 8:15 आ गई थी शायद से, 8:30 आ गई होगी, तो स्कूटी पे निकल आई ना। हाँ, आपको रिक्शा विक्शा भी मिला होगा ना? अच्छी लगी ना कढ़ाई और वो जो मैं सामान लाई है ना। हाँ, मैंने कहा चल गोलू के घर भी और इकट्ठा करूंगी, अभी तो 2 चीजें लेके आई हूँ ना। अभी हाँ भैया कह रहे ड्राई फ्रूट, वो ड्राई फ्रूट ही खाते हैं, वो से मिठाई नहीं खाते वो लोग, तो मिठाई मत लेना। नहीं खाते वो लोग, कहते हमें मिठाई पसंद नहीं है, ड्राई फ्रूट में जो वो खाते वो कर लेना बैंक में। हाँ ड्राई फ्रूट तो हर कोई खाता ही है, पर इस टाइम पे कितनी। मगर चीना कह रही है मम्मी मेरे को उतना ही सामान देना जितना मैं उठा के जा सकूं, आप सोचो लाद लाद के मुझे दे दो और मैं आप ऐसे करना एक बड़ा सा बैग बना दो। हाँ बड़ा सा बैग बना डाल देना, उसको ज्यादा महसूस भी नहीं होगा। अच्छा मेरे पास वो वाला बैग है ना, हाँ 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 व्हाइट और ब्लैक वाला, उसी में डब्बा आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ देखती हूँ क्या करती हूँ। तो मम्मी बैग है यार, बड़ा हैंग करती है, बड़ा सा बैग है। कह रही मम्मी इतना सामान मैं नहीं लेके, आप सोचो भी बस आ तो आप जाना। अच्छा। मैंने कहा नहीं मैं तेरे को इतना बोझ नहीं उठा के दूँ। अरे चंडीगढ़ जाना बच्चे के लिए कोई आसान नहीं है, कोई अपनी गाड़ी पे तो जाएगी नहीं, अपनी गाड़ी हो ना कोई बात नहीं, अभी अपनी गाड़ी चला के नहीं जाएगी। कह रही मैं इतनी दूर, हाँ कहती मैं इतनी दूर मम्मी अपनी गाड़ी पे रिस्क लेके नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से अपना बाईपास जाऊंगी, बाईपास से बस ले लेगी, 4-5 घंटे आगे लगते हैं। तो कितने दिन रह के आएगी? नहीं नहीं दो दिन बस, कहती ज्यादा नहीं, 2-3 दिन, 2 दिन बस, ज्यादा नहीं। वो भी पिछली बार मैं गई थी दिवाली देने, पहले मैं गई थी दिवाली देने, अब कहती मैं चली जाती हूँ, मैं चल शादी हो जाएगी उसके बाद तू फिर मेरे को ही जाना है। हाँ। मैं जा बहन से मिलना, मैं जा, हाँ मैं जा दोनों बहनों से मिलना और उनके बच्चों से मिलना। अभी पायल का भी फोन आया था शादी के बारे में, एक बात है चाहे कुछ भी है, पायल होगी गोलू होगी चाहे कुछ भी है, लोगों को पता चले ना चले, वैसे एक बात है हर रोज मुझे फोन करके कुछ ना कुछ बताओ, चीना की शादी का क्या बनवाना है, हल्दी की कौन सी ड्रेस है, ये कौन सी ड्रेस है, लहंगे कुछ, मतलब हर बात करती रहती है। अभी पायल का फोन आया था, अभी मैं पायल से फोन करके हटी हूँ। सही है, मम्मी आप मैं गोलू को, मैं चीना को ये बनवा के दूंगी, प्लीज उसको बोलो कि अपना पसंद कर ले, वही का वही सेम बनवा देते हैं। अब बच्चा है देखो, शादी हो रही है, मैं कहती हूँ अच्छे से हो, सब कुछ इसका अपना हो, हम ये लेके देंगे, हम बोले बहुत चाव है, मैंने देखा पायल को बहुत चाव है, मतलब हाँ कहती मैं तो 15 दिन पहले आ जाऊंगी, मैं 15 दिन की तो महीना पहले आ जाऊँ। दोनों तो बड़ी रौनक पायल लगाती है, बड़ा मजा आया था। वही हेमा कह रही थी, कहती दीदी कोई भी सगन, जब सगन होता है कोई भी मेहंदी मुंदी की एक दिन पहले नहीं रखता, पर हम लोगों ने अपने मेहंदी की रात रखी और कितना मजा लगाया था। हाँ 3:30 बज गए थे, मैं तो सुबह 5-6 बजे लेटी थी, सारी सफाइयां करा के सब कुछ सब करवा के, तब हाँ मैं करवा के, मैंने कहा घर गंदा है ना सुबह सुबह सारे सो रहे हैं ना, फटाफट निबड़ जाएगा, हो गया था। फिर अगले दिन फिर हमने जाना भी था। हाँ चल सो जाओ तुम भी, देखो मैं भी अंदर। हाँ कोको पुची की रोटी दे दी है,
अच्छा तो बस भैया ने खाली नहीं इनको भी कह रहे हैं आवाज मार तो रही है रोटी दे दे मैं तो चल इनको रोटी दे दूंगा अच्छा। बस अभी अभी मैं ऊपर गई हुई थी डॉली के पास तो नीचे आई हूँ तो आराम से ये मट्ठी खा रहे है मट्ठी अचार के साथ खा लो अचार लिया वो जो पहली मठिया थी खत्म हो गई थी मुझे इतनी टेस्टी लगती है अब हेमा के साथ गई थी ना आज मैं तो वहां से मठिया मैं खरीद के लाई हूँ दोबारा बिल्कुल सामने हमने पहले गोलगप्पे खाए गोलगप्पे के सामने पचरंगा वाले के सामने एक बहुत बड़ी दुकान थी वहाँ मठिया वगैरह अभी भी तल रहा था मुझे नहीं पता इतना पता है की हाँ समोसे भी थे उसका समोसे भी हाँ सारा सारा पूरा का पूरा सामान है वहाँ पर उसका तलने का मठिया वटिया छोटी मट्ठी ये देखो ये बड़ी मट्ठी है ये वाली तो कह रहा है बड़ी मट्ठी मतलब खस्ता होता है छोटी मट्ठी जो होती है हार्ड होती है चल ये दे दे तो उससे लेके हाँ तो किलो मट्ठी उससे मैं लेके आई मैं चलो अभी है फिर बाद में नजर नहीं आती अब तू थी नहीं रोटी रोटी है नहीं मैं नहीं तो रोटी का टाइम ही नहीं हुआ अभी वैसे भूख लगी थी तो फ्रूट खा लेते सेब भी करा केला ये खा लो कौन काटे कौन सी ले करे मैं चल मट्ठी बड़ी मट्ठी खा लेता हूं चलो कोई बात नहीं मैं अचार ले आया अचार खा लेता हूं हां मैं अचार ले आती हूं अचार से बोली गई हो बिना उसका हां बिना किटक का बिना किटक का हां ला रही हूं चीर चीर के